हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के सबसे ज़्यादा फेमस पार्क सेंट्रल पार्क, जो कि कर्नाट प्लेस के अंदर है। यहाँ पे ब्रिज है, ये कर्नाट प्लेस के अंदर जो सेंट्रल पार्क है उसी में, तो वहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। 3 साल बाद ये पार्क खुल चुका है, कोरोना के बाद मतलब ये पार्क बंद हो गया था और टोटली बंद रहा था। काफ़ी बार मैं आया यहाँ पर कि आपको अपडेट दूँ खुला है नहीं खुला है, तो एक बार मैंने बनाई भी थी वीडियो कि बंद था उस समय। तो 3 साल बाद फाइनली कर्नाट प्लेस का ये पार्क खुल चुका है, सेंट्रल पार्क। तो आइए पूरा पार्क घूमते हैं। इस समय यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है, क्योंकि आज 11 मार्च को और कल 12 मार्च को है, तो यहाँ फ्लावर फेस्टिवल भी देखने वाले हैं। आगे पूरे पार्क की जानकारी ले लेते हैं हम कि भाई यहाँ तक आपको पहुँचना कैसे, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, पार्क की टाइमिंग क्या है, सारी जानकारी देता हूँ मैं। तो आइए पूरा पार्क की जानकारी लेते हैं और पूरा पार्क विजिट भी करेंगे। उसी के अलावा चैनल पर आया पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बेस्ट प्लेस आप तक पहुंचाता हूँ घूमने फिरने के लिए। तो गाइस, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप ऐसे कपल हो ना, ऐसे कपल नहीं मतलब कपल हो अगर आप, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, फ्री में आप आ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्री नहीं है इसकी, और मस्त टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और भाई यहाँ की लोकेशन की अगर बात करें तो भाई ये पार्क दिल्ली कर्नाट प्लेस में राजीव चौक पर पड़ता है। और भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की और पार्किंग की बात करें तो सामने आप देख रहे हो यहाँ पे सेंट्रल पार्क की एंट्री है, तो यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन आप देख सकते हैं। तो ये जो फ्लावर फेस्टिवल हो रहा है ना, उसी की वजह से यहाँ पे डेकोरेशन है। बाकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, आप राजीव चौक है, ये रहा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 है यहाँ पर ये, और गेट नंबर 1 पर ही आपको पार्किंग मिल जाती है। यहाँ पर ये देखो मेट्रो गेट नंबर 1, और यहीं सामने से आपको ये सेंट्रल पार्क की एंट्री मिल जाती है। और भाई पार्क की अगर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो शीतकाल यानी कि विंटर के टाइम में होने वाली आगे टाइमिंग सुबह 7 से रात को 8 बजे तक, ग्रीष्म यानी गर्मी के टाइम में आगे टाइमिंग होने वाली है सुबह 6 से रात को 8 बजे तक। बाकी मंडे को क्लोज रहता है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साप्ताहिक अवकाश यानी कि हॉलीडेज का होता है मंडे को। भाई कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, तो वो आप नीचे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी भाई यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं G20, आप देख सकते हैं भारत 2023 इंडिया, तो यहाँ पे क्या है फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है ना, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ ये लगा हुआ है। बाकी जो फ्लावर फेस्टिवल है वो चलने वाला है 11 और 12 मार्च 2023 को, यहीं पे कर्नाट प्लेस में सेंट्रल पार्क है इसी में। तो चलते हैं अंदर, एंटर होते हैं, सबसे पहले दिखाई देता है NDMC G20 फ्लावर फेस्टिवल 11 और 12 मार्च 2023 का इनॉग्रेटेड बाय, ये लिखा हुआ है। तो आइए यहाँ से चलते हैं और पूरा सेंट्रल पार्क विजिट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पूरा डेकोरेट किया हुआ है, देखो यहाँ पे फ्लावर से बर्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं एक पेड़ की टहनी के ऊपर एक पंछी बैठा हुआ है, वाह कितना बढ़िया लग रहा है ना। बाकी यहाँ भी आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से ईगल लगाया हुआ है, वेलकम किया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो भाई पार्क काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे दो रास्ते ये आप देख सकते हो, बाकी यहाँ इस साइड आप देख सकते हो। तो किस साइड चलें पहले, ज़्यादातर लोग इस साइड जा रहे हैं, तो यहीं पर ही चलते हैं पहले। सामने लिखा हुआ है हमारा जो स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक है। बाकी यहाँ आप सामने देख रहे हो गांधी जी हैं, और गांधी जी का ऐनक लगाया हुआ है, स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, जिसके अंदर लगता भाई कपल ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, कपल्स पार्क ही है। ज़्यादातर हमें कपल्स ही दिख रहे हैं यहाँ पर 90% कह सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पूरा विजिट करते हैं, क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्लांटिंग की हुई है, पूरे फ्लावर्स इतने अच्छे लग रहे हैं। फ्लावर फेस्टिवल है ना, इसलिए यहाँ पे और बढ़िया तरीके से कर दिया, पूरा 3 साल बाद खुला है पूरा पार्क, तो मतलब एक नया रूप दे दिया पूरे पार्क को ही। तो यहाँ और देख सकते हैं भाई पूरा पार्क हम देख रहे हैं बढ़िया से, यहाँ देखो किस तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं ये देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ भी काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स रखे हुए हैं, ऑरेंज पिंक वाइट ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ देखो इतने सारे फ्लावर पॉट्स को एक साथ यहाँ पे ऐड कर दिया इन्होंने, मतलब क्रिसमस ट्री टाइप थोड़ा सा बना दिया है। बाकी यहाँ पर सामने देखो जिराफ बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, गेंदे के फूल से बनाया हुआ है ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं यहाँ पर। अरे आगे इंडिया गेट दिखाता हूँ चल के, काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ पूरा डेकोरेट, काफ़ी अच्छा करा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो इंडिया गेट यहाँ पर येलो कलर में, ये देखो यहाँ पर इंडिया गेट है, और काफ़ी फॉरनर्स भी आए हुए हैं, सूरज की रोशनी आ रही है इसलिए काला काला लग रहा है। बाकी यहाँ एक पीकॉक लगाया हुआ है, वहाँ भी है देखो एक पीकॉक। तो भाई दूसरी साइड आ गया मैं, यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पर से बढ़िया आ रहा है, लक्ष्य भाई यहाँ से आ जाओ, वो खोए हुए हैं अपना भाई। तो यहाँ से देखो बढ़िया लग रहा है पूरा, वहाँ से ब्लैक ब्लैक दिख रहा था सनलाइट की वजह से। यहाँ पे साइड पता नहीं क्या हो रहा भाई, कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह चल रहा है क्या, पेंटिंग बेस प्लांटिंग बेस हैदरायन, तो यहाँ पे शायद अलग अलग यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह उन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, टूलिप रोज ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सारी मतलब इन्फॉर्मेशन है फ्लावर्स रिलेटेड। ये देखो यहाँ पे रखे भी हैं फ्लावर्स, अच्छा लाइट्स हैं, तो ये मतलब डेकोरेशन रिलेटेड चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं शायद। बाकी ये आप देख रहे हो ना चाइना बूथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल रहा है, पता नहीं रेस्टोरेंट है क्या है, देखते हैं चल के।
भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे फ्लावर्स की सीड वगैरह से आपको चाय बना के दी जा रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है, टेस्ट कराया जा रहा है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर डिलीस होगा करके है, मतलब यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स है, ये आप देख सकते हैं बॉक्सेस में भी है। तो गाइस अब टेस्ट कर लेते हैं, ये एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाय हाउ आर यू? ओके सो कैन वी गेट टू कप्स? या टू कप्स। So what thing you are adding in this? Can you please tell us? Okay, these things you are adding. Okay, great. This is for testing only, है ना? Not you are not selling something. Okay, so Dhanu bhai, यार इन्होंने तो यार थोड़ा थोड़ा दिया यार। पूछो। इसके कुरला करना है या पीना है इसको? Okay, this is a drink ना? ओके 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 तनु भाई थोड़ा पी लो यार। तो तरुण भाई कैसा लग रहा है, पी रहे हो यार? गर्म पानी की तरह लग रहा है पीने में तो। गर्म पानी की तरह पेट साफ हो जाएगा ऐसे हैं। कैसा लग रहा है, मतलब टेस्ट, कोई टेस्ट है, टेस्टलेस है कोई? टेस्ट तो नहीं है। टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है, बताइए बोल रहे हो। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक बर्ड लगाया हुआ है, बाकी पीछे वहाँ पे फ्रेंड सर्कल है पूरा। तो ये देखो बढ़िया लग रहा है। तो ये मतलब ये फ्लावर फेस्टिवल है ना, उसके बाद ये सारी चीज़ हट जाएंगी। बाकी पार्क तो परमानेंटली अब हो चुका है ओपन, जो कि मतलब कोरोना के टाइम पे पूरा बंद हो गया था, तो 3 साल बाद खुला है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो इधर इस साइड, आगे इधर, और यहाँ पर जो है ना इस साइड मतलब इन्होंने लगाए हुए हैं और भी कुछ चीज़ें, ये देखो। तो ये अभी इस समय का अट्रैक्शन है फ्लावर फेस्टिवल का सारा। बाकी भाई ये आप देख रहे हो सामने ये वाला ब्रिज, यहाँ पे काफ़ी मैंने रील्स देखे हैं जो आपकी वायरल हो रखी है, तो यहाँ काफ़ी लोग रील्स वगैरह बनाते हैं। शाम को मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी तो वहाँ सूरज की लाइट आ रही है ना वहाँ से, तो ब्लैक ब्लैक थोड़ा लग रहा है। बाकी बना तो सभी भी सकते हो, फोटो वगैरह अच्छी क्लिक हो जाएगी। यहाँ पे देखो कर भी रहे हैं सामने, तो ये आप कर सकते हो पूरे हैं इस वे में, मतलब नहीं है बस यहाँ पर है ब्रिज। मैं सोच रहा वहाँ तक जा रहा है, तो आओ आगे बढ़ते हैं और विजिट करते हैं पूरा पार्क। वहाँ देखो भाई इन्होंने हर्ट बनाए हुए हैं 3, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे कैमल इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ बीच में चलते हैं भाई, यहाँ सेंटर की साइड ना सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं वो चल के देखते हैं। अब वहाँ पता नहीं ऐसा क्या है, सारे लोग वही नहीं जा रहे लग से भाई, वहाँ कपल्स जा रहे ज़्यादा। हाँ कपल्स जा रहे ज़्यादा, बट कोई नहीं, हम भी चल के देखते हैं क्या है वहाँ पे। यहाँ तो ऑडिटोरियम की तरह बनाया हुआ है यार, जैसा कोई प्रोग्राम होने वाला हो यहाँ पे। तो भाई ये है यहाँ पे सेंटर में पूरे फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, डेकोरेट किया हुआ है अच्छे से, पूरा गार्डन टाइप बनाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा गेट की तरह बनाया हुआ है, जैसे गेट है, अच्छा लग रहा है। बीच में यहाँ पे सेंटर में देखो बनाया हुआ है, रात में लाइटिंग हो जाएगी ना तो और अच्छा लगेगा। ये 8 बजे तक का टाइम है, तो 8 बजे तक तो हो ही जाएगी लाइटिंग। तो ये सब था यहाँ पे सेंटर में। अरे भाई फवारा चला नहीं अभी तक यार, फवारे का टाइम है, टाइमिंग होता है। हाँ टाइमिंग होता है, टाइमिंग दिखाता हूँ एक बार। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंटेन की क्या टाइमिंग होने वाली है, विंटर में होने वाली है 11 से 1 बजे तक, फिर 5:30 से 7, और ग्रीष्म में यानी कि अभी के समय में 11 से 12, फिर 6:30 से 8, यानी अब तो मतलब सीधा शाम को चालू होगा 6:30 बजे। बाकी भाई यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स भी लगे हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर को आप देख सकते हो, यहाँ कुछ मशीनें हैं जिसका मतलब यूज़ करा जाता है फार्मिंग करने के लिए। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो बड़ी सी एक मशीन है, इसका नाम भी लिखा हुआ है पीछे, इंडियन रावर इंडस्ट्रियर प्राइवेट लिमिटेड। तो रोहतक से आए हैं ये लोग। बाकी यहाँ कुछ फ्लावर्स आप देख सकते हैं, प्लांट्स देख सकते हो छोटे छोटे, ये देखो गार्डन ब्लॉज में ये है सारे। और देखो यहाँ पे कुछ सीड वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, अदरक वगैरह, लहसुन वगैरह, ये सब चीज़ें। बाकी और कुछ चीज़ें आप मशीनें देख सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, जिनका यूज़ मतलब जो वेस्ट आ जाता है ना उसको काटने के लिए करा जाता है खेतों में। बाकी और कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर 7,000 का ये प्लांट जो है। बाकी और अलग अलग यहाँ प्लांट्स हैं, यहाँ पर आप मतलब इंडस्ट्री बनाई हुई है एक छोटी सी, खरीद सकते हो आप। एक लॉलीपॉप है, तो यहाँ पे अजलिया कैनर 150 रुपये का, ठीक है, ये 1500 रुपये का, 4700 का है विथ फाइबर पॉट। अच्छा पॉट के साथ मिलेगा ये, फाइबर पॉट के साथ। और भी कुछ यहाँ प्लांट्स है, ये देखो। तो वहाँ आगे बढ़े तो यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, यहाँ भी काफ़ी लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो ये देख सकते हो आप। कपल्स भी काफ़ी ज़्यादा गए, काफ़ी ही ज़्यादा, तो दिखा नहीं रहा मैं उस साइड, बाकी बता रहा हूँ आपको, अगर आप कपल्स हो तो भाई आ सकते हो यहाँ पर आप। बाकी भाई यहाँ पर अंदर आपको आरओ का वाटर भी मिल जाता है, यहीं साइड में देखो ये डेकोरेशन करी हुई है। भाई ये
सेंटर में मैंने आपको दिखाया था ऑडिटोरियम बनाया हुआ है ना, तो इवनिंग में यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी कुछ होने वाले हैं। तो फिलहाल तो भाई धूप है तो गर्मी भी काफ़ी है यहाँ पे अभी। बाकी भाई सामने आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो लोग जो है मतलब रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील बना रहे हैं और यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह बना रहे हैं। ये पहले यहाँ पे आपको टिकटॉक किए नज़र आते थे, लेकिन अभी फिलहाल ये इंस्टाग्राम के रील बनाते हुए नज़र आएंगे आपको। तो भाई फिलहाल हम भी बैठ चुके हैं छाँव में, यहीं से ही बैठ के वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यही था इस वीडियो के अंदर, उम्मीद है आपको पूरा पार्क अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैंने एक और वीडियो बनाई हुई नेहरू पार्क की, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। काफ़ी सुंदर पार्क है, इससे तो बहुत बढ़िया पार्क है वो। यहाँ इतना शोर शराब है, क्राउड है इतना, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ शांति होती है। लक्ष्य भाई कैसा लगा पार्क, कैसे उदास कैसे बैठे हो? यार काफ़ी सारे कपल्स आए हुए तो उदासी तो होगी भाई यार। सो गाइस इस व्लॉग में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर पहली बार आए थे अभी तक टिके हो सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।